और PMAY के 10-10, 15-15 हज़ार रुपये ले रहा है, इसके बारे में आप पे भी यहाँ पे लोगों ने बताया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उस पर फर्दर एक्शन होगा कि नहीं सर? देखिए वीडियो साहब, नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम जो है पंचायत नारकोट के अंदर है। इस वक्त जो है हमारे साथ बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सर्व सिंह नाग साहब हैं, और ये इनका कार्यक्रम था विकसित भारत प्रोग्राम या इस वक्त चल रहा है, और इनकी तरफ से यहाँ पे आए बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और हमारे साथ सर्व सिंह नाग साहब हैं। सर्व सिंह नाग साहब, स्वागत है आपका पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। सर बताइए कि जिस तरह से आज विकसित भारत का ये प्रोग्राम चला, इसके आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आज हम इस वक्त जिज ब्लॉक के नारकोट पंचायत में हैं। लद्दा जो जगह है यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। ये दो पंचायतें हमारी, एक चकलवाला और एक नारकोट, यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी आप देखें कि ऊपर रोड साइड खड़ी है। हम थोड़े नीचे गांव में आए हैं, यहाँ पे अभी कनेक्टिविटी इस गांव में नीचे नहीं थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में ये यात्रा इस वक्त चल रही है। 1947 से लेकर के 2047 तक जो हमारे 100 वर्ष हम पूरे करेंगे स्वतंत्र भारत को, वो एक संकल्प जो है हर पंचायत में जाकर के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो संकल्प ले रहे हैं कि जो भी हमारी डेवलपमेंट जो है इस वक्त तक सेंटर की जितनी भी योजनाएं हैं वो इन गांव, इन दूरदराज के इलाकों तक पहुंची हैं, इनमें इम्प्लीमेंटेशन स्तर पर और धरातल पर क्या क्या कमियां त्रुटियां इन स्कीमों में हैं, एक तो वो भी हम उनकी निशानदेही कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट के आयाम यहाँ पे खुले हैं, जिन योजनाओं का बेनिफिट जो है हमारे लोगों तक पहुँचना है, एक अवेयरनेस भी हम दे रहे हैं। तो ये आज, जैसा कि हम जानते हैं कि अब ये स्कीम जो है, ये योजना, ये यात्रा जो है ये क्लोज होने वाली है, तो आज 23 जनवरी को हम यहाँ पर हमारा ये संकल्प यात्रा जो है यहाँ पर की हमने। आपने देखा कि इन दो पंचायतों की भारी तादाद में लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने इन लोगों से जो स्थानीय मुद्दे थे और जो योजनाओं में कमियां हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, वो हमने नोट करी हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने हमारे जहन में डाली हैं, इन चीज़ों का हम अजाला निवारण जो है आने वाले समय में करेंगे। सर सबसे बड़ा मुद्दा PMAY को लेकर जिज पंचायत नारकोट और डकीकोट चकलवाला के बीच में आया कि यहाँ पे लोगों का जो PMAY का केस है सिर्फ 2 या 3 एक एक पंचायत में, ये कब तक जो है साइड आप कब तक इसके जो गरीब लोग छूट गए हैं वो लिस्ट में आए? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का एक पूरा हम कह सकते हैं कि रियासी ज़िला में पूरे देश की तरह कायाकल्प हुआ है। इस वक्त तक 33,000 सेंक्शनड मकान जो हैं PMAY में जो ग्रामीण में हैं, इसमें अर्बन जो हैं वो अलग हैं, ये मकान जो हैं हमारे रियासी ज़िला में इस वक्त जेर तामीर हैं, कईयों के तामीर हो चुकी है, 11,000 के करीब मकान जो हैं वो बन चुके हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले चंद महीने पहले हमारी सेंटर की सरकार ने 1,99,000 मकान जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों और अर्बन के लिए और दिए हैं, जिसका भी हिस्सा अगर हम डालें तो हमारे रियासी ज़िला में 55,000 के करीब मकान जो हैं वो तामीर होंगे। ये बात सही है कि कई जगहों पे, कई पंचायतों में कुछ गांव जो हैं वो छूट गए हैं, टेक्निकल एरर की वजह से ये छूटे हैं, क्योंकि उसमें जब साइट खुली थी और उसमें हमने ऑनलाइन करना था, उसमें कई जगहों पे जो डाटा है वो गलत होने की वजह से इस ये जो मकान जो छूटे हैं वो रह गए हैं। हमें इस वक्त हमारी सरकार की तरफ से भी निर्देश हैं, हदायत हैं, हमारी जितने भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जितनी भी मशीनरी है उनको भी ये हदायत हैं कि आप नए सिरे से जो छूट गए हुए हैं लोग और जो डिज़र्व करते हैं उनकी लिस्टें बना करके इस वक्त हम आज यहाँ पे भी हमने अपने वीडियोस और अपने जितने भी रूरल डेवलपमेंट के फंक्शनरी फील्ड फंक्शनरीज हैं उनको कहा है कि आप लिस्ट बना करके जल्दी सबमिट करें, नेक्स्ट लिस्ट में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी छूटे हुए केस हैं वो उसमें आ जाएं। ये सर किन की गलती है जिसकी वजह से ये लोग अभी भी जो लिस्ट से छूटे हुए हैं सर? ये नहीं, देखिए एक जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
नए सिरे से जब ऑनलाइन ये सारे केसेस जो हैं ऑनलाइन सबमिट होते हैं, आपको पता है कि जितने भी हमारी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो उस लेवल पे कहीं फील्ड फंक्शनरीज से हो सकता है कि उन्होंने ये डाटा जो सही तरीके से नहीं उस वक्त फीड किया हो, या कुछ ऐसे हमारे उस वक्त पंचायतें थी यहाँ पे मोबाइल की ऑनलाइन इंटरनेट जो है उसकी सर्विसेज नहीं थी, तो उस लेवल पे कहीं छूटे हैं। लेकिन ये हम आपको भी आपके माध्यम से सभी को यकीन दहानी दिलाते हैं हमारी सरकार की तरफ से कि कोई भी नहीं छूटेगा, सभी के सर पे पक्का मकान होगा, ये मोदी जी की गारंटी है और इस पे हम काम कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा एक मुद्दा आया कि डकी कोर्ट के अंदर एक पंचायत सेक्रेटरी जो है जो पीएमएवाई के 10-10, 15-15 हज़ार रुपये ले रहा है, इसके बारे में आप पे भी यहाँ पे लोगों ने बताया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उस पे फर्दर एक्शन होगा कि नहीं? सर देखिए, बीडीओ साहब आपके सामने यहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ एक दो इस तरह की यहाँ पे सूचनाएं जो हैं हमारे तक पहुँची हैं, हमने बीडीओ साहब को हदायत की है कि वो जल्दी से जल्दी इस पे इंक्वायरी करें, अगर ये सही पाया जाता है तो उसमें उचित कार्रवाई होगी, इसकी हम यकीन दहानी दिलाते हैं। इंटरव्यू जो था सरफ सिंह नाग जी का था, सरफ सिंह नाग जी हमें इंटरव्यू दे थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रियासी, और आप देखते रहिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, तालिब हुसैन को कैमरामैन के साथ, जय हिंद जय भारत।